अमेठी में जनविश्वास रैली करने वाले कुमार विश्वास को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। रैली से पहले और रैली के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। यही नहीं, कुमार विश्वास की रैली में पहुंचने वाले आप कार्यकर्ताओं पर स्थानीय लोगों ने पथराव तक किया। सैटरडे को अंडे, संडे को काले झंडे। रैली से पहले कुमार विश्वास का जबरदस्त विरोध, विरोध में जलाए गए पुतले, लोगों ने किया पथराव। अमेठी में जनविश्वास रैली करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को अमेठी पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यूपी के जगदीशपुर में कुमार विश्वास को काले झंडे दिखाए गए और उनका पुतला जलाया गया। इससे पहले कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुमार विश्वास पर अंडे फेंक कर उनका विरोध किया गया था। चलाने दीजिए, वो सब प्रायोजित है, अमेठी के लोग छोड़ेंगे नहीं। बड़े मार्गों से राहुल गांधी को अमेठी में विश्वास की रैली में जा रही आपकी बस पर भी स्थानीय लोगों ने पथराव किया और काले झंडे दिखाए। विश्वास के मुताबिक वो वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं, लिहाजा कांग्रेस उनसे खौफ सता है और हताशा में विरोध के निम्न स्तरीय हथकंडों पर उतर आई है। विश्वास की पार्टी का भी दावा है कि अमेठी में राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी जाएगी। घबरा गए हैं राहुल गांधी, विरोध से आपको होगा फायदा। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गुंडे भेज रहे हैं अंडा फेंकने के लिए, कुछ कांग्रेसी वहां उपद्रव मचाना चाह रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। या तो हताशा है जैसा सुन रहे हैं कि चिकमंगलूर से भी लड़ेंगे, अभी से पराजय स्वीकार कर ली है, तो इससे तो फायदा ही होना है, अच्छा ही होना है। सब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना गुलाम बनाया है और अब ये भी नहीं चाहते कि वहां जाकर कोई आपके बारे में बात करे या आपके रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करे। आम आदमी का हुजूम है, आम आदमी की ताकत है, वो इन चीजों से डरने और रुकने वाली नहीं है। हमने दिल्ली में भी देखा था इस तरह की कोशिश की गई और उत्तर प्रदेश में भी होगा, तो इससे लगातार जन समर्थन बढ़ेगा। चुनौती है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा इस बार, ऐसा नहीं होगा। अच्छी लड़ाई होगी और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 77 के इतिहास को अमेठी में दोहराए। भले ही कुमार विश्वास उन पर हुए हमलों को प्रायोजित बता रहे हों और इनके पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ बता रहे हों, लेकिन विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुमार विश्वास धर्म की राजनीति करते हैं। हमारे धर्म गुरु का इन्होंने मजाक बनाया है। हम लोग उस विहेप पे जो है हम लोग हमेशा मेरे धर्म गुरु के खिलाफ बयानबाजी की है, उसके खिलाफ में हम लोग इनको काला झंडा दिखा रहे हैं बस, और हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। वही कांग्रेस का आरोप है कि विश्वास पर लोगों का अविश्वास जग जाहिर है और वो जबरदस्ती अमेठी से चुनाव लड़ने पर आमादा है। तो सपोज जिनको नहीं घर में मैसर जबानी हाथापाई कर रहे हैं, वो जिनका नाम है कुमार अविश्वास, वो केजरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कुमार विश्वास को ही बहुत बड़ी चुनौती होंगे। बहरहाल कुमार विश्वास ने राहुल गांधी के गांव में जाकर उन्हें पहली बार चुनौती दी है और पहली ही रैली में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में इस विरोध के और उग्र होने की आशंका है। इस समय अमेठी से अलहमरा खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।